आश्रम था जहाँ पर बहुत सारे बच्चे दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्हीं में से थे मोहन और कमल। उन दोनों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद घर जाना था, लेकिन जब मोहन और कमल घर जाने लगे तो उन्हें गुरुजी ने अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों आज तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने अपने घर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने घर जाने से पहले एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें घर जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम विफल हुए तो तुम्हें यही रुकना पड़ेगा।